Swipe left, someone said something stupid. Swipe right, now I'm watching what you did. Power down, now I'm at a disadvantage, but I think that it's worth it. I put my headphones on. अभी है ना हम लोग टिकट लेके ना बस में बैठ चुके हैं, तो अभी टिकट का पहले तो 600 देखा था एक यूट्यूब वाले वीडियो में देखा था, बोला अभी है ना एक टिकट का 1000 रुपया हो गया। तो यहाँ पर अभी अप्रॉक्स 2 घंटा के लिए रूम आएगा, तो बाहर में है ना वीडियो बनाने का अलाउ नहीं था, तो नहीं वीडियो ब्लॉग स्टार्ट किए थे क्या ना एक गार्ड है बोला कि वीडियो बनाना बंद करो। तो अभी है ना टिकट लेके और बस में आके बैठे हुए हैं, तो यहाँ पे भी कोई नहीं देख रहा है, तो यहाँ वीडियो बना रहे हैं। यहाँ पर पहले है ना अंदर जाने के लिए बस सिक्योरिटी चेकिंग होता है, जो है ना अंदर में कोई स्टाफ हो या सिक्योरिटी हो बस उसी को अंदर पहले जाना अलाउ होता है, उन लोग के लिए टिकट लगता है अंदर जाने के लिए। बैठे हैं इसके बाद अभी पता नहीं कितना टाइम और लगा, तो उसके बाद चलेंगे। बनाया गया था आपके राइट साइड में देखिए, इसको कहते हैं वेलकम मैदान 1, और लेफ्ट साइड में देखिए वेलकम मैदान 2। वेलकम मूवी आई थी कुछ सालों पहले, आपने देखा होगा। कौन कौन थे उसमें हीरो हीरोइंस? हीरो तो अक्षय कुमार, अनिल कपूर और नाना पाटेकर, राइट। ऐसा पूरा फिल्म कैसे बना रही, यही तो कमाल है दोस्तों। यहाँ पर ऐसे छोटे छोटे मैदान पर सेटली संजय लीला बंसाली, यू आर राइट, और भी है लेकिन उनके ऑलमोस्ट बड़े बड़े होते हैं। अभी कोई बताए, अभी ये बारिश की वजह से पूरा ढका हुआ है, पहले खाली था 2-3 वीक पहले। सीन देखा हुआ गोवा में, वो मतलब दिखाया गया है गोवा का बैकग्राउंड उस पर, लेकिन पूरा का पूरा गोवा दोस्तों इधर रिक्रिएट किया गया था। मैंने भी जब फर्स्ट टाइम देखा था मुझे लगा था शायद गोवा के ब्यूटीफुल से यहाँ पर शूट किया गया था, राइट। चलिए हम आगे, आपका कुछ सालों पहले वो सबसे बड़े फ्लॉप फिल्मों में से एक थी उस साल के, लेके कमबख्त इस मैदान को नाम दे गई चोकर मैदान। यहाँ पर शूट हुआ था दोस्तों वो जो जितने भी सीन थे ना उस मूवी के। और अभी एक RRR मूवी का ट्रेलर देखा, साइड में देखिए इसी मैदान पे कोंडाना फोर्ट, जो फोर्ट दिखाया गया ना उसमें कोंडाना नाम का, यही पर बनाया गया था दोस्तों। आपको लग रहा होगा इसके छोटे से मैदान पे इतना बड़ा कैसे बनाया, उसमें कुछ VFX एडिटिंग फोटोशॉप ये सब चीजें भी होती है, VFX का मैक्सिमम। लेकिन जितने भी क्लाइमैक्स सीन था अजय देवगन और सैफ अली खान के बीच के फाइटिंग्स, और जो भी स्ट्रेटेजी बनाया गया था चढ़ने के लिए, कैसे उसको काबिज किया जाए, वो सब चीजें दोस्तों यहाँ बनाया गया था। एक बात बता दो आपकी जानकारी के लिए कि फिल्म इंडस्ट्री में सब चीजें नकली होती है, आप तो देख ही रहे होंगे, अभी अंदाजा आ गया होगा आपको, राइट। लेकिन लोग एक्सेप्ट लोगों की मेहनत, सब चीजें नकली बनावटी हो सकती है, लेकिन लोग यहाँ पे बहुत मेहनती है, 14-14, 15-15 घंटे मेहनत करते हैं दोस्तों। कभी कभी तो 24 आवर जो सेट में दिखा रहा होगा अंदर 24 आवर काम चलता है, 3-3 शिफ्टों में काम चलता है, राइट। वहां पर लाता कि हम वीक के 7 डेज साल के 12 मंथ्स हमको बोरियत महसूस ना हो, हम एंटरटेन हो सके। एक लाइव एग्जांपल आपको बता दो, आपके लेफ्ट साइड में देखिए एक बड़ी सी नदी दिख रही होगी आपको, कितना पानी है देखो। अभी बारिश हो रही है तो बाढ़ में ये फिल्म सेट भी बह जा सकता है, पूरा पूरा गोरेगांव। अरे ये क्या, ये तो पानी नहीं नाला दिख रहा है। यस ये नाला है, लेकिन BR चोपड़ा के महाभारत में इसको गंगा नदी बनाया गया था दोस्तों। ट्रैक्टर से लॉरियों से पानी भर भर के इधर लाया गया था और इसको गंगा नदी का स्वरूप दिया गया था। गंगा नदी का शपथ वाला जो एपिसोड आपने देखा होगा, आई एम श्योर नहीं देख रहा था, वो रिवेंज वाली स्टोरी है, बहुत अच्छी है, आप देख सकते हो। यहाँ से इसी रोड से बाहर वो लाशें लेके आया, वो जो सीन है लास्ट के 30-40 मिनट का, तो पूरा जलियन वाला बाग का ही दिखाया गया, इधर शूट किया गया था। चलिए अभी दोस्तों ये तो इंट्रोडक्शन था, ये तो ट्रेलर था। जो बिल्डिंग दिखाई दे रही थी कॉलेज वाली, यही बिल्डिंग है दोस्तों, इसको ही बनाया गया था, कॉलेज दिखाया गया था। इधर ये जो स्टेप्स भी आपने देखा होगा ऑल इज वेल सॉन्ग में दिखाया गया था, यहीं से वो तीनों कुछ स्टेप्स था ना, वो तीनों का शर्मन जोशी और माधवन और आमिर खान वाला, जितना भी रैगिंग वाला सीन हो, यूरिनेशन वाला हो, या फिर जो भी मिलीमीटर वगैरह हो, आयरन वाला हो, जब भी सुसाइड वाला हो, सुसाइड का जो दिखाते हैं ना, सब चीजें अप डाउन आज भी उसका मीम्स बनते हैं, वो जो आज भी पॉपुलर है वो, राइट। व्हाट इज मशीन का वो था ना, वो आपने देखा होगा, तो यहाँ पर ही बनाया गया था दोस्तों पूरा का पूरा। आप क्योंकि अभी ऐसा दिख रहा होगा आपको, क्योंकि ये पहले ये रिलायंस मीडिया वर्क दिख रहा है आपको, अनिल अंबानी की हुआ करती दोस्तों। यहाँ पर एडिटिंग पोस्ट प्रोडक्शन का काम हुआ करता था, लेकिन अभी आपको पता है अनिल अंबानी जी दिला, राइट। ये जो है ये अंदर ये जो गाड़ी खड़ी है, वो जो दिख रहा है आपको टीन से घिरा हुआ जो है, वो उसको कहते हैं कालिया मैदान, अंदर कुछ सेट लगा है। तो ये कालिया मैदान है। कालिया का नाम सुना है क्या आपने? कालिया कोई मूवी आई थी जैसे कि अमिताभ बच्चन की मूवी थी 1988 में, वो उस समय सुपरहिट फिल्मों में से एक थी दोस्तों। उसका डायलॉग में जलाया गया था। जो क्रिकेट से झांकते हुए शाहरुख खान फर्स्ट टाइम देखता है अर्जुन रामपाल और दीपिका पादुकोण गले मिलते हैं, तब उसको पता चलता है कि उनका कुछ रिलेशनशिप में है वो दोनों, तो उसका दिल टूट जाता है। फिर गाना चालू होता है, चल सुना सुना लगे, जो गाना है तूफान क्रिएट होता है, इधर से बाहर आके इन्हीं रोड पे चलता है दोस्तों। यही पर तूफान क्रिएट किया, बाजू में जो दिखता है चलते हुए चलता है ना शाहरुख खान, बाजू में जो है वगैरह आपने बिल्डिंग्स वगैरह देखा होगा उस सॉन्ग्स में, वो तो वीएफएक्स के थ्रू भी बना दिया जाता है। और आपने एक मूवी देखी होगी, हलचल मूवी देखी होगी, चुपके मूवी देखी होगी, वो उसकी शाहिद कपूर की। फिर आपने ये देखा होगा हंगामा, उसमें भी जो कोटी हवेली दिखा, हंगामा में परेश रावल का जो घर दिखाया गया था इसी को दिखाया गया था। चुप चुपके में जो कोटी सुनील शेट्टी की कोटी दिखाई गई थी, अमरीश पुरी और सुनील शेट्टी इसी को। अनुपमा इमली, अरे अनगिनत जितने मर्जी ले लो आप, जो भी भिखारी मांगते है ना वो देखो यहाँ बैठ के कितने सारे भिखारियों ने भीख मांगी हुई है। चिंता मत कीजिएगा, हम आगे रिटर्न आएंगे तब उतरेंगे, हम आपको जरूर मौका मिलेगा। होली खेले रघुवीरा जो सॉन्ग भी देखा होगा यूट्यूब पे, इसी मैदान पे हुआ था दोस्तों। आपने सिंगा मूवी देखी होगी रणवीर सिंह की रिसेंटली, उसका जो मतलब जो ये बनाया गया था पुलिस स्टेशन इधर ही बनाया गया था, फर्स्ट टाइम उधर खड़ी होती है उस डोर पे सारा अली खान दिखता है। सिंगम मूवी में सेंट मेरी स्कूल जो स्कूल दिखाया गया था सिंगम मूवी में, इसको बनाया गया था। क्लाइमैक्स में जयकांत सिकरे बंदूक लेके भागता है ना, इधर यही रोड है दोस्तों, इधर मिलता है, फिर वो डर जाता है एक टीचर। तो यहाँ फिल्म सिटी आके ये पता चला है क्या ना, जो भी है ना सीन क्रिएट किया जाता है फॉरेन का या कहीं और का, इससे बाहर कहीं का भी, वो है बस वीएफएक्स का कमाल होता है और कुछ नहीं होता है। यहाँ पे आके ये समझ में आ गया है, सब एक ही जगह है ना शूट किया जाता है। तो ये वाला फिल्म, ये वाला जो घर है ये है ना कोई मिल गया फिल्म का भी, और बहुत सारा ऐसा है ना फिल्म या शो होता है जो यहाँ पे क्रिएट किया जाता है, इसी को थोड़ा सा मॉडिफाई करके हो जाता है ऐसे। और भी बहुत सारा ऐसा ऐसा सीन है जहाँ पे है ना हम लोग जाएंगे अभी और है ना पता चलेगा वहाँ पे क्या असली का राज क्या है। यहाँ पे है ना यहाँ पर कुछ जो फेमस जैसे है ना एक मंदिर जो है हर मूवी हर सीरियल में जो आ जाता है वो भी है ना यहाँ पे ही है। वहाँ पे कोई भगवान नहीं होते हैं, बस जिस वहाँ का रिक्वायर्ड होता है वो वहाँ आ जाते हैं। सॉरी तो एक दो फोटो क्लिक कर लेते हैं यहाँ पे। तो मेरे सामने एक ऐसा मंदिर है जिसमें आज तक कोई भगवान नहीं हुए हैं। ये है ना ये वही मंदिर का सेट है जिसमें है ना ये मंदिर अप्रॉक्स सभी सीरियल में अधिकांश तो मूवी में है ना आ जाते हैं। ये वही मंदिर है हमारे पीछे जिसमें बहुत सारे ये सीढ़ी पे भिखारी सब रहते हैं और यहाँ पे बहुत सारा ना लड़ाई हो गया है, शादी हो गया इस मंदिर में, पता नहीं किन का शादी हो गया यहाँ पे। भगवान यहाँ पे ना ऐसा बताया गया यहाँ लोगों क्या है, जिस मूवी या सीरियल में जिस भगवान का रिक्वायर्ड होता है उसको यहाँ पे अंदर में है ना बैठा के और यहाँ पे कर दिया जाता है। और पीछे भी है ना और बहुत सारा ऐसा सेट है जिसको हम कभी एक्सपेक्ट नहीं कर पाए थे कि यहाँ पे ऐसा हो पाता है कभी। तो कभी ऐसा हम ही नहीं, बहुत सारे ऐसे जो है एक्सपेक्ट नहीं कर पाते हैं कि यहाँ एक ही जगह है ना सब कुछ हो और एक ही में सब कुछ हो जाता है। एक ही मंदिर में सब कुछ शूटिंग जब होता है तब वो आते हैं, भगवान रखते हैं, साईं भगवान रख दो, गणेश जी रख दो, भोले बाबा रख दो, और सब एक ही मंदिर में हो जाता है, फिर लेके चले जाते हैं। और चलते हैं 10 सेट यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स, यही देखिए ये आइटम जो देखा है ना, ये पूनम फैशन अभी दिखा है ना, राधा फैशन अभी बनाया गया है, चमको लॉन्ड्री यहाँ पर अंदर यही पर है, शायद वहाँ पर आपको देखने का मौका मिलेगा। आपको आज वो जो गोकुलधाम लिखा हुआ है ऊपर, मुझे तो जेठालाल की गैलरी जहाँ पर सूरज देवता को अर्पण करता है जल हमेशा दिल्ली, और वहाँ पर झगड़े भीड़े के साथ हमेशा झगड़ा होता रहता है, जेठालाल को दिख रहा है आपको। वो यहाँ पर जो यहाँ पर बहुत बार वो टप्पू से ना गांधी मैदान रेफर करते, इसी को बोलते हैं गांधी मैदान दोस्तों। अभी यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं, ये देखो कलर किया हुआ था लास्ट टाइम जितने भी आप देख सकते हो, क्योंकि वहाँ से पर्दा लगा हुआ है इसलिए नजदीक से हमको कुछ दिखेगा नहीं। मैं इसको यहाँ से दिखाने की कोशिश हेराफेरी क्योंकि नायक खलनायक अभी जो रिसेंट आई है पिंक में 10वीं रॉकेट में भी इसको दिखाया गया दोस्तों। 10वीं रॉकेट का टाइम इसको पेंट किया गया था दोस्तों। यही वो कोर्ट है जहाँ पर बहुत सारे जितने भी आप कोर्ट रूम ड्रामा देखते हो, इवन सेक्शन 375 अक्षय खन्ना वाले इधर ही शूट हुआ था। इवन तारक मेहता का उल्टा चश्मा आपको पसंद है ना, उसमें जो गुला को पीछे पड़ती है मेरे साहिबा आ गए बोलती है ना, उसके साथ शादी हुई थी, मैं उसकी पत्नी हूँ, उसको साबित करना था कि उसके साथ शादी नहीं हुई है, जो भी 25-30 एपिसोड शूट किया गया था दोस्तों। यही